मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका नाम है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हीट क्या होती है टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर स्केल क्या है मतलब टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है ठीक है और हीट का किस तरह से ट्रांसफ़र होता है मीन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट कैसे पहुँच जाती है ठीक है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है ये समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हीट के क्या क्या यूजेस हैं क्या कुछ यूज़ है हीट का या नहीं है ठीक है और थर्मोमीटर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है और थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और थर्मोमीटर किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है हीट के हम सेल्सियस और फेर स्केल को भी समझेंगे कुछ सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ हैं और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सन है उससे जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो अर्थ तक कैसे आती है और उसका अर्थ पर क्या इफेक्ट होता है ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो हम आज इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर थर्टी सेवन पर आ जाइए मैं रीड करूँगा आप मेरे साथ मैच करते चलिए ठीक है जो हमारा डेली रूटीन है हम उसी को फॉलो करेंगे इससे पहले आपको चैप्टर थ्री तक की पीडीएफ मिल गई है क्वेश्चन आंसर आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके रखिए अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं लेकिन आपको अपने साथ अपने सी डब uh, एच डब्ल्यू लेकर आने की ज़रूरत है जिसमें आपने अपना पूरा वर्क कंप्लीट किया हुआ होगा जिस बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं होगा नो no डाउट उसको कोई डाउट नहीं है और जिस बच्चे का वर्क कंप्लीट होगा उसको डाउट निकल सकते हैं क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ते हैं तभी बच्चों को परेशानियाँ आती हैं जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं उनको कोई परेशानी नहीं आती ठीक है रीज़न जब पढ़ा ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है इसलिए मैं आप सभी को फिर एडवाइस दूंगा कि आप पढ़िए और जो आपके डाउट निकल रहे हैं उन डाउट्स को लेकर आइए लेकिन अपने आंसर कॉपी कंप्लीट करके जो आपको तीन पी भेजी जा चुकी हैं उन तीनों पी में आपने अपने बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है ये आपको हेल्प करेंगे जब आपके एग्जाम होंगे तो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड और चैप्टर के अंदर से भी पूछा जाएगा ठीक है तो याद रखिए ठीक है चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हीट फ्लो एंड टेम्परेचर ओके ये न्यू वर्ड्स हैं न्यू वर्ड्स आप अपनी बुक में देख कलेक्ट कर सकते हैं ये पूरे न्यू वर्ड्स हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से न्यू वर्ड्स पढ़ना है ठीक है ये अबाउट द चैप्टर है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कुछ मोस्ट जो uh, कुछ इम्पॉर्टेंट जो की हैं उनको मैं पढ़ के बता देता हूँ हीट द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर द मेजर ऑफ़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस और कोल्डनेस ऑफ द अ बॉडी थर्मोमीटर अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर Celsius or centigrade, a commonly used unit of temperature. Fahrenheit, another commonly used unit of temperature. Conduction, the mode of heat transfer in which energy is transferred from one molecule to the other molecule without the actual movement of molecules. Convection, the mode of heat transfer by circulation or movement of heat part. टेड पार्ट ऑफ अ लिक्विड गैस रेडिएशन द मोड ऑफ ही ट्रांसफर इन विच अ मटीरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी ओके तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे ठीक है और जो इनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हम चैप्टर में से ही कलेक्ट करेंगे चलिए लेट स्टार्ट कम टू द पेज नंबर 37. Open your book. We come across a variety of objects in our day to day lives. Some objects are hot while some are cold. Do you know why some objects are comparatively hotter and some are colder? In this chapter, we will study about heat transfer of heat, temperature, etc. हमारे आसपास जो भी मटेरियल होते हैं वो या तो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं जब हम उनको ठंडा या गर्म बोलते हैं तो एक्चुअली हम उसमें कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है ठीक है इस चैप्टर में हम हीट और उसके बारे में और उसके ट्रांसफ़र और मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हीट टेक सम आइस क्यूब्स इन योर हैंड वॉट डू यू फील यस दे आर वेरी कोल्ड वॉट हैपन वैन यू एक्सीडेंटली टच बॉइलिंग वाटर विद योर फिंगर यू इमीजिएटली रिमूव योर हैंड क्या होगा अगर आप कुछ बर्फ के टुकड़े अपने हाथ में रखें या गर्म पानी को आप टच कर लें ठीक है तो आप क्या करेंगे अपना हाथ पीछे खींच लेंगे कम टू द नेक्स्ट पेज दे इज अ पर्पल बॉक्स द फ्रेज हीट ट्रेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस दैट इंक्लूड हीट क्रैम्प्स हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रॉक अब ये जो फ्रेज है हीट रेसिस ये ग्रुप है मतलब बहुत सारे उससे जो हमको इंजरी हो जाती है हीट से वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं तो जब भी हम हीट से कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो हम बस यही बोलते हैं हीट रेसिस उससे हमको प्रॉब्लम होती है चलिए देर इज़ अ कैटल स्टीम इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन परफॉर्म वर्क मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था आपको कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे हीट से कुछ काम होता है या नहीं होता है आपको पता होगा दुनिया में सबसे पहला जो रेलवे इंजन है वो इंडिया में चला था ठीक है पुणे से थाने के बीच चला था ठीक है अब ये जो स्टीम इंजन है ये वर्क किस पर करता है तो ये वर्क करता है स्टीम पर और स्टीम क्या होती है ये आ, पानी को बॉयल करने के बाद में बनती है जब पानी बॉयल होता है मतलब उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है तो जो स्टीम होती है उससे वर्क परफॉर्म होता है चलिए आगे देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या है हीट सम वाटर इन अ कैटल कीपिंग इट lid closed after some time when the water start to boil steam start coming out of its spout if you try to insert a cork into the spout of the kettle the steam pushes it out further steam lifts the lid knob of a pressure cooker and even move the turbine In a thermal power station, therefore we observe that steam can perform work using heat. अब देखिए इसमें कुछ वर्ड हैं पहले हम कैटल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैटल के कौन कौन से पार्ट हैं देखिए ये तो है कैटल का हैंडल आपको देख रहा होगा ठीक है फिर ये ब्लैक कलर का जो आपको देख रहा है ये नोब। ये है कैटल लिड ओके अगेन आपको देख रहा होगा ये जो नोज़ल है इसको बोलते हैं स्पाउट ओके ये इसका मुँह जो हम बोलते हैं टोटी या नोजल जहाँ से लिक्विड बाहर आता है तो इसको कहते हैं हम स्पाउट ओके अब आप ये सारे पार्ट समझ गए कैटल के ये इसका बेस है और ये कंटेनिंग एरिया है जहाँ पर लिक्विड कंटेन या स्टोर्ड रहता है ठीक है चलिए तो क्या करना है आपको आपको एक कैटल में कुछ पानी गर्म करना है जैसे ही पानी गर्म होगा तो उसे हीट फॉर्म होगी अब हीट जो मतलब स्टीम फॉर्म होगी और स्टीम क्या करेगी उसके स्पाउट से बाहर निकलेगी जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है ठीक है अगर आप स्पाउट पे कॉर्क फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिट नहीं होगी स्टीम उसको बाहर धकेल देगी ठीक है इसी तरह आपने प्रेशर कुकर की विसिल को देखा होगा वो भी उसका नोब भी ऊपर उठ जाता है और अगर मान लीजिए आपने प्लेन लिड से उसको क्लोज किया हुआ है तो स्टीम उसको हटा देगी द एबिलिटी यहाँ से स्टार्ट करें बेटा द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी द हीट इज परफॉर्म सॉरी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एज रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम इज नोन एज हीट हीट इज़ एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी और जूल ठीक है अब हीट क्या है जो आ, वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको एनर्जी बोलते हैं और हीट एक टाइप की एनर्जी होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है क्योंकि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए हीट से कोई भी जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड अब याद रखिए एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर है नेचर का जो टोटल एनर्जी अमाउंट है वो फिक्स है ना तो उसमें हम कुछ डिग्री इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं बस हीट ट्रांसफ़र हो जाती है किसी एक जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है ठीक है डिस्ट्रॉयड बट कैन भी कन्वर्टेड फॉम वन फॉर्म टू अनदर हीट को ना तो हम बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ठीक है एज़ हीट एज फॉर्म ऑफ एनर्जी इट कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्योंकि हमको पता है हीट एनर्जी का फॉर्म है तो जब हीट एनर्जी का फॉर्म हुआ तो हम हीट को भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एज हीट इज़ अ फॉम ऑफ़ एनर्जी इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा गिवन ब्लो आर सम एग्ज़ाम्पल्स अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पेज में कि हम किस तरह से हीट को अनादर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या किसी अदर फॉर्म को हीट में चेंज कर सकते हैं चलिए देखते हैं वेरी फर्स्ट इज़ इन स्टीम एंड जेंस स्टीम इज़ यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू मेकेनिकल एनर्जी आपको यहाँ फिगर दिख रहा है स्टीम इंजन का इसमें हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है सेकेंड वन बी मेटल्स एंड चारकोल ग्लो वैन दे आर हीटेड जब मेटल और कोयले को गर्म करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है एज हीट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू लाइट एनर्जी इससे पता पड़ा कि हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है थर्ड इन थर्मल पावर प्लांट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है तो क्या क्या है तीन चीज़ें हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ये हमने तीन फॉर्म देखे कि हीट एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है अदर एनर्जी में इवन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू हीट अब अदर फॉर्म जो हैं एनर्जी के उनको हम हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सम एग्ज़ाम्पल ऑफ सच चेंजेस आर मैंशन ब्लू अब कौन कौन से फॉर्म है जो हीट में चेंज हो जाते हैं देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है रिम्बर अंदर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर हीट मतलब स्टीम बनाई जाती है स्टीम की जो हीट एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं याद रखिए तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ दिस वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एन लाइट एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर और आपको यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर दिख रहा है अभी ठंडे आने वाली हैं और आज से हल्का सा वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है आप बच्चों ने भी फील किया होगा मैंने तो फील किया है ठीक है सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठे हो घूमने के लिए तो आपको डेली से थोड़ा सा ज़्यादा कोल्डनेस फील होगी कल परसों से थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कल परसों से मेरा मतलब है आज जो डेट है वो फोर्थ ऑफ अक्टूबर है ठीक है चलिए वैन नेल इज़ हैमर्ड इट गेट हीटेड अप बाय मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी अब देखिए जब आप हथौड़े से किसी नेल को पीटते हो तो वो गर्म हो जाता है तो जो हैमर है और उसको बार बार हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये हो गया मैकेनिकल प्रोसेस ठीक है और हीट गेट्स हीटेड सॉरी नेल गेट्स हीटेड और जो नेल है वो गर्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है व्हेन फ्यूल इज़ बर्न फ्यूल जैसे लाइक पेट्रोल गैसोलीन, एल पी जी कैरोसिन एनी फ्यूल इस बर्न जब उसको जलाते हैं तो गैस स्टोव केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी किसी भी फ्यूल को जब आप गैस स्टोव में बर्न करेंगे तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कम टू द नेक्स्ट पेज इफेक्ट्स ऑफ हीट हीट कॉज सम चेंजेस इन द सब्सटेंसेज विच आर हीटेड लेट्स अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अब देखिए ये एक्टिविटी है ये एक्टिविटी आप रीड कीजिएगा बाय योर ओन ठीक है चलिए हम आगे पढ़ते हैं टेम्परेचर वैन हीट फ्लो फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट टू आर बॉडी इट्स अपेयर हॉट टू अस जब भी हीट एक ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में आती है तो इट्स अपीयर्स हॉट टू अस सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट्स अपेयर कोल्ड टू अस व्हेन हीट फ्लो फॉर्म अवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट याद रखिए जब भी हीट या एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में आएगी तो वो ऑब्जेक्ट जिससे हीट हमारी बॉडी में आ रही है वो ऑब्जेक्ट हमको गर्म लगता है और जब हमारी बॉडी से हीट किसी अदर ऑब्जेक्ट में चली जाती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको ठंडा फील होता है तो इसका मतलब क्या हुआ जब आप बॉयल वाटर को अपनी फिंगर से टच करते हो एक्सीडेंटली टच हो जाती है इसका मतलब क्या है हीट जो है वो पानी से आपकी बॉडी में आ रही है जब हम आइस क्यूब्स को टच करते हैं तो हमको वो ठंडा फील होता है इसका मतलब क्या है हमारी बॉडी से हीट आइस क्यूब्स में जा रही है याद रखिएगा इस चीज़ को कोई भी चीज़ गर्म मतलब आपकी बॉडी हीट रिसीव कर रही है कोई भी चीज़ ठंडी इट मीनस आपकी बॉडी हीट डोनेट कर रही है ठीक है या दे रही है उसको या ट्रांसफ़र कर रही है दिस इज़ बिकॉज आर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर क्योंकि बॉडी और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हैं एक चीज़ याद रखिए हीट जो होती है वो हमेशा एक लेबल तक फ्लो होती है अगर मान लीजिए दो पॉइंट हैं एक अप एंड डाउन तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी कब तक ट्रांसफर होगी जब तक ये वाला लेवल इसके इक्वल नहीं हो जाता अगर ये थोड़ा सा नीचे होगा तो अब ये हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगी अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो हीट ऐसे ट्रांसफ़र होगी अब ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये सर्कल्स लेवल ऑफ हीट के हैं ओके चलिए इट इज़ नॉट वॉर दैट आर ओन सेंस ऑफ What is hot and what is cold is relative rather than absolute. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है? Let us perform the following activity to understand this. Temperature is the measure of the degree of hotness and coldness of a body. अब देखिए temperature क्या है, वो उस degree को show करता है कि कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है। एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स हॉट इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ हायर देन आवर बॉडी अगर कोई चीज़ गर्म है तो इसका मतलब क्या है हम कंपेयर करेंगे उसको कि हमारी बॉडी से वो उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है तभी तो हमको वो गर्म फील होगा ठीक है एंड कोल्ड इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन आवर बॉडी और अगर कोई कोई बॉडी आपको ठंडी फील हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से वो कितना ठंडा है मतलब उसका जो डिग्री है वो कितना कम है इसका मतलब हमको हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता होना चाहिए तभी तो हम कंपेयर करेंगे सपोज़ करो ये हमारी सपोज़ कीजिए ये हमारा बॉडी लेवल है यहाँ एक और अनदर बॉडी है यहाँ एक और बॉडी है अब ये देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मान लें ये कोई डिग्री मेजर है तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है ये जो बॉडी है इसका टेम्प्रेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा है और ये वाली जो बॉडी है इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम है तो जिसका कम है वो तो हमको कैसा लगेगा कोल्ड और जो ज़्यादा है वो हमको कैसा लगेगा हॉट हमेशा याद रखिए टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स हॉट

100 डिग्री सेल्सियस एक और ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर है टेन डिग्री सेल्सियस तो जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी वो कब तक होगी जब तक दोनों का दोनों बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता यहाँ भी 55 और यहाँ भी 55 क्योंकि अगर इनका हम सम करें तो ये 110 होगा और 55 फाइव टू जन हंड्रेड हो जाएगा तो ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर कितना ना हो जाए इक्वल ठीक है तो हीट इस तरह फ्लो करती है जब एक बॉडी गर्म होती है और दूसरी ठंडी होती है तो हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में ट्रांसफर होती है टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर इज द मेजर्ड इन सॉरी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन कैलविन कैल्विन इज द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फेरनहाइट स्केल आर कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल दीज स्केल्स आर नेम्ब आफ्टर द साइंटिस्ट एंड्रीज सेल्सियस एंड जी डी फर एंड हाइट हु डेवलप दैम बट कैलविन स्केल इज स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर लेट एस लर्न मोर अबाउट दीज स्केल्स एक्चुअली जितने भी स्केल्स हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने उसको डिस्कवर किए हैं एस आई एस आई स्टैंडर्ड यूनिट है ठीक SI, SI है इंटरनेशनल यूनिट जो है टेम्परेचर मेजर की वो कैलविन है ठीक है ऐसा SI का मतलब होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है हीट को मेजर करने का उस वो स्केल कौन सा है कैलविन लेकिन इसके अलावा दो स्केल और भी हैं सेल्सियस और फारेनहाइट, जो सेल्सियस है उसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एंडियूज सेल्सियस और जो फॉरेन हाइट है फॉरेन हाइट को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो जीडी डी फारेनहाइट हाइट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था ठीक है चलिए अब इन स्केल्स के बारे में हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्टी चलिए अब यहाँ पर हमको तीन स्केल दिख रहे हैं सेल्सियस स्केल फारेनहाइट हाइट स्केल एंड कैलविन स्केल अब देखते हैं सेल्सियस स्केल क्या होता है द यूनिट ऑफ मेजर ऑन दिस स्केल इज डिग्री सेल्सियस इस स्केल में जो हम यूनिट मेजर करते हैं टेम्परेचर की उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस रिटर्न एज डिग्री सी किस तरह लिखा जाता है इसको इस तरह लिखते हैं डिग्री सी ये दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा सर्कल और बाद में सी ये डिग्री सेल्सियस इसको रीड करते हैं ठीक है ऑन द सेल्सियस स्केल डिग्री सी इज सॉरी ज़ीरो डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस अब देखिए सेल्सियस स्केल में जीरो डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर ठीक है मतलब जो एंड्यू सेल्सियस हैं उन्होंने जब इस स्केल को डेवलप किया तो उन्होंने आइस के मेल्टिंग पॉइंट को जीरो डिग्री सेल्सियस माना ठीक है एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज द एज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको उन्होंने कितना माना हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब कितने पॉइंट हो गए उनके बीच में जीरो डिग्री सेल्सियस तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसलिए हम बोलते हैं ना आइस का मेल्टिंग पॉइंट इज जीरो डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्यों इट इज बिकॉज एंड सेल्सियस मेक द सेल्सियस स्केल एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया ही फिक्स्ड the melting point of ice is 0 degree celsius and boiling point of water is 100 degree celsius so 0 degree celsius and 100 degree celsius are the lowest and highest fixed point on this scale respectively the intervals between these two points has been divided into 100 equal parts each of which correspond to 1 degree celsius Andrew सेल्सियस ने उन्होंने जीरो डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बीच में जितना भी डिफरेंस था उसको हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक यूनिट डिस्टेंस को उन्होंने कितना बोला वन डिग्री सेल्सियस फॉरन हाइट स्केल फारेनहाइट हाइट स्केल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन दिस स्केल इज डिग्री फार हाइट एवरीवेटेड एज डिग्री एफ़ अब जैसे डिग्री सेल्सियस को हम इस तरह से शो करते हैं इसी तरह डिग्री फार एंड हाइट को ये डिग्री का साइन होता है और आपने मैथ में बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया होगा कि डिग्री का छोटा सा सर्कल बना देते हैं और ये कैपिटल एफ़ तो ये क्या है इट इज़ द सिंबल ऑफ़ फार एंड हाइट स्केल ओके सो द यूनिट ऑफ मेजर ऑन दिस स्केल इज़ डिग्री फार एंड हाइट एवरीवेटिड एज डिग्री

थर्टी टू डिग्री फॉरन हाइट एंड टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फॉरन हाइट अब इसमें थर्टी टू डिग्री फॉरन हाइट क्या होगा सॉरी uh, uh, जो थर्टी टू डिग्री फॉरन हाइट और टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फारेन हाइट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको उन्होंने क्या किया द इंटरवल बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू वन हंड्रेड एट्टी इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन डिग्री फारेन अब देखिए सेल्सियस ने तो बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की मेरे हिसाब से उन्होंने क्या किया था सेल्सियस ने उन्होंने ज़ीरो डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और फारेनहाइट ने क्या किया उन्होंने लोएस्ट पॉइंट कितना माना थर्टी टू डिग्री फारेन हम मान सकते हैं शायद ये वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ पानी का अब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक यूनिट डिस्टेंस को उन्होंने कितना माना वन डिग्री फ़ारेनहाइट एन हाइट कैलविन स्केल द यूनिट ऑफ मेजर ऑन दिस स्केल इज कैलविन एवरीबिएटेड एज के ऑन द कैलविन स्केल जीरो डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड्स टू टू हंड्रेड सेवनटी थ्री कैलविन अब देखिए जो कैलविन स्केल है उसमें जीरो डिग्री सेल्सियस को कितना इक्वल माना जाता है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश कैलविन तो याद रखिएगा 273 हंड्रेड ओके सो 0 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 273 हंड्रेड सेवेंटी थ्री एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्ड टू 373 हंड्रेड ठीक है तो इसके लिए क्या है फिर हमको कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी अब हम किस तरह से जो टेम्परेचर है उसको अलग अलग मेजरमेंट uh, स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको और समझ सकते हैं ठीक है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के आने का इंतज़ार कीजिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए तब तक के लिए गुड बाय